हिमालय में विराजे विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट विधि विधान के साथ आज सुबह 6 माह के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट के बैंड की सुमधुर धुनों से केदारधाम परिसर गूंज उठा। इसी के साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई। इस अवसर के 10,000 से अधिक श्रद्धालु साक्षी बने। पुण्य अवसर पर मौसम साफ रहा। मंदिर को लगभग 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम समिति ने सभी के भंडारा आयोजित किए हैं। प्रातः 4 बजे श्री केदारनाथ धाम परिसर में कतारबद्ध चारधाम यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ समय बाद BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय रावल, भीमा शंकर लिंग, मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह, पुजारी धर्माचार्य वेदपाठी, केदार सभा के पदाधिकारी और जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार पूरब द्वार से मंदिर पहुंचे। फिर पूजा शुरू हुई। इसके बाद भगवान भैरवनाथ और भगवान शिव के आह्वान के साथ ठीक सुबह 7 बजे श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्री श्री केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 6 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भगवान भैरवनाथ की पूजा हुई थी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति 9 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया गया कि 11 मई को श्री केदारनाथ धाम में भकुट भैरव मंदिर के द्वार खुलने के साथ केदारनाथ मंदिर में नित्य प्रति आरतियां एवं संध्याकालीन आरतियां शुरू हो जाएंगी। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ 6 महीने समाधि में रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है। इसके बाद भक्त दर्शन करते हैं। यमुनोत्री के कपाट 10:29 और गंगोत्री के कपाट आज दोपहर बाद 12:20 पर खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। आज यहां कपाट खुलने के समय हक हकूकधारी सहित केदारनाथ धाम के रावल, भीमा शंकर लिंग, पुजारी शिव शंकर लिंग, संस्कृति एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्टीत, मंदिर समिति सदस्य श्रीनिवास पोस्ती, वीरेंद्र असवाल, मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह, कार्याधिकारी RC तिवारी, धर्माचार्य ओंकार शुक्ला, वेदपाठी यशोधर मैठानी, विश्वमोहन जमलोकी, स्वयंवन सेमवाल, प्रदीप सेमवाल, अरविंद शुक्ला, कुलदीप धर्मवान, देवानंद गैरोला आदि मौजूद रहे।